ई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इफ यू आर न्यू हेयर माई नीम अंतिमा आई मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर हेयर केयर मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो आम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो एंड टूडे आम गोइ टू रिव्यू अ स्किन केयर प्रोडक्ट और विच अ पोर मिनिमाइजिंग सिरम फ्रॉम फेक्स टर्मा ये स्काईज तो जिनकी भी स्किन ऑयली है एक्सट्रीमली ऑयली है या एक्ने प्रोन है वो लोग मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि गर्मियों में या मॉनसून सीजन में हमारे स्किन में जो सीबम प्रोडक्शन है वो एक्सेस में होने लगता है स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है एक्ने आने लगते हैं एंड पोर्स जो हैं वो विजिबल होने लगते हैं काफ़ी लार्ज पोर हो जाते हैं ये चीज़ आपने नोटिस की होगी मतलब स्किन बहुत ही अजीब हो जाती है ऐसे में हम क्या करते हैं हम या तो बार बार फेस वॉश करते हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है मतलब थोड़ी देर के लिए स्किन फ्रेश दिखती है मैट दिखती है लेकिन कुछ देर बाद फिर से वैसी हो जाती है तो हमें चाहिए होता है एक परमानेंट सोल्यूशन तो जिस शर्म के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ये इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करने का क्लेम करता है बाकी हम वीडियो में देखेंगे कि कितना सच्चाई है कितना नहीं सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस सिरम के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो ऑल राइट गाइज तो जिस सिरम के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये फिक्स टर्मा पोर मिनिमाइज़र फेस सिरम जिसका प्राइस है फाइव नाइन्टी नाइन रुपीज़ जिसमें आपको मिल जाएगी थर्टी ग्राम्स की क्वान्टिटी एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो थ्री ईयर्स की है ये आपको कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की पैकेजिंग है जिसमें पम्प डिस्पेंसर है इससे एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हाइजीन मेंटेन रहता है प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता कोई मेस क्रिएट नहीं होता है सारी सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के ऊपर मिल जाएगी लाइक इसके इंग्रीडियंट लिस्ट मैनुफैक्चरिंग डेट इसको कैसे यूज करना है एवरीथिंग बात करूं अगर मैं इसके मेन इनग्रीडियंट की तो इसमें ट्वेंटी परसेंट नायासनाइड है नायासनामाइड का काम होता है आपकी स्किन में अगर डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है स्किन बहुत ज्यादा अनईवन दिखती है तो उसको ये रिड्यूस करता है स्किन को ब्राइटन अप करता है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है पोर्स को मिनिमाइज करता है जैसे कि मैंने बोला कि ये एक्सेस शिवम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो पोर्स अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएंगे छोटे दिखने लगेंगे जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे ठीक है इसमें टू पॉइंट फाइव है जो कि अगेन काफी अच्छा काम करता है एंटी एजिंग में अगर आपकी स्किन में फाइन लाइन्स रिंकल्स ये सारी चीजें विजिबल होने लगी है या नहीं भी हो रही है कुछ लोगों को कम उम्र में ही स्किन जो है ना थोड़ी सी ढीली ढीली सी लगती है टाइट नहीं होती है तो ये स्किन को टाइटन अप करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है प्लस इसमें फिटेक एसिड है जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है ये माइल्ड एक्सफोलिएशन देगा जो भी आपकी स्किन डेड स्किन है टैन है वो सारी चीज़ें निकल जाएगी आपको एक स्मूद एंड यू नो स्पॉट फ्री स्किन ये देगा इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा जिससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी तो ये जो चार मेन इंग्रेडिएंट है ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को रिड्यूस करेगा स्मूथ स्किन देगा एंड आपकी स्किन को ये डीप हाइड्रेशन देगा जो कि इसके इंग्रेडिएंट देख के लगता है क्योंकि इसमें 20 परसेंट नायासाना है एंड 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट ग्लूकोज है एंड जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फिटिक एसिड है ठीक है तो जो भी इंग्रेडिएंट है काफ़ी अच्छे हैं एंड इसको यूज करते हुए मुझे आई थिंक फिफ्टीन डेज हो गए हैं मुझे अपनी स्किन में जो टेक्स्चर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है क्योंकि अभी मानसून ही गया है भले ही बारिश नहीं हुई लेकिन ह्यूमिडिटी हो गई है तो ऐसे में मेरी स्किन बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगती है बट मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है ना वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसको यूज करने के बाद ठीक है ये जो शर्म है ये एलर्जिक फ्री है प्रिजर्वेटिव फ्री है एल्कोहल फ्री है एंड नॉन कॉमेडोजेनिक है और अब बात कर लेते हैं इसके कलर कंसिस्टेंसी टेक्सचर एंड फ्रेगरेंस के बारे में ठीक है तो वैसे तो इसमें मेंशन नहीं है कहीं पे कि फ्रेगरेंस फ्री है लेकिन मुझे इसमें फ्रेग्रेंस फील नहीं हुई ठीक है एंड ये जो सीरम है ना ये डर्माटोलोजिकली टेस्टेड भी है तो मतलब पूरी तरह से सेफ़ है आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं इसका जो कलर है वो वाइट कलर है आप देख सकते क्लियर बोल सकते वाइट क्लियर कलर है ठीक है एंड ये सिरम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बहुत ही लाइट वेट है एंड इसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है आप देखेंगे ना बहुत ही जल्दी से कुछ सिरम होते हैं जैसे थर्टी सेकेंड तक या एक मिनट तक रहते हैं उनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है स्पेशली समर में क्योंकि समर में स्वेटिंग वगैरह आने लगती है तो वो मिक्स सा हो जाता है बट इसके साथ ऐसा नहीं है एंड बिल्कुल भी स्टिकी ग्रीजी चिपचिपा या यू you नो know, कुछ भी ऐसे टैकी टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं आप देख सकते बहुत ही जल्दी से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है ये आप देख सकते हैं तो मुझे ये सिरम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ और अब मैं इस सिरम को अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा देती दें अच्छा ये जो सिरम है इसको आप अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन दोनों में शामिल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो दिन में आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करनी है वैसे अगर आप कोई सिरम नहीं भी यूज करते तब भी आपको दिन में सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए इससे आपकी स्किन कई सारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी बच जाती है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस सिरम के बारे में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर आपको इसे ट्राई करना है तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं या आप खुद से भी इसको सर्च करके परचेज कर सकते हैं ये जो वीडियो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और अब बात कर लेते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में तो अगर मैं प्रो की बात करूं तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं काफी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं डाटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें जो वो इसमें नहीं है जैसे कि एलर्जिक फ्री है प्रिजर्वेटिव फ्री है एल्कोहल फ्री है एंड नॉन नॉनकोमजेनिक है तो यह होगा इसके प्रो एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसमें एक कॉन्स नजर आया कि इसमें ग्लूकोज माइन है जो कि अगर फीड करवा रही हैं वीमेन या प्रेग्नेंट वीमेन है तो आई थिंक उनको अपने डॉक्टर से इसको पूछ के ही यूज़ करना चाहिए ऐसे इसको मत यूज़ करना दैट्स इट तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा तो उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर